नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाला हूँ टैली के नए अपडेट के बारे में। टैली का नया रिलीज आ गया, रिलीज 5.0। और सबसे बड़ा अपडेट इसके अंदर आया है दूसरा, कि अब आप जीएसटी की जो रिकन्सिलेशन होती हैं बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। डाटा डाउनलोड हो जाएगा जीएसटी आर 2B का, जो पहले नहीं हो रहा था। देखो यहाँ पे 2A है, 2B है और R1 है, इनका रिकन्सिलेशन कर सकते हो और पूरा ईयरली डाटा डाउनलोड होगा और आपको रिकन्साइल करके पूरा एक एक चीज़ देगा। ठीक है, बहुत अच्छा रिकन्सिलेशन कर दिया। मैं तो कहूँगा आप इसी को यूज़ करो रिकन्सिलेशन के लिए। सबसे पहले मैं 2B का दिखाता हूँ। 2B का जनरली लोगों को प्रॉब्लम रहती थी, क्योंकि मंथली पोर्टल से डाउनलोड हो रहा है या क्वार्टरली डाउनलोड हो रहा है, अगर मुझे पूरे साल का रिकन्सिलेशन करना है तो कैसे करूँ। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया टैली ने, आपको दिखाऊंगा। देखो GSTR 2B में आ गए और मैं यहाँ 2B निकाल रहा हूँ पूरे साल का, फाइनेंशियल ईयर 23-24 का निकाल लेते हैं, 1/4/2023 से 31 मार्च 2024। ठीक है, ये 23-24 का 2B निकल गया। इसके अंदर कुछ अनसर्टेन ट्रांजेक्शन है, उसको सही करना पड़ेगा। देख लेते हैं क्या है ट्रांजेक्शन अनसर्टेन। लगभग बैंक की एंट्री है ये मेरी सारी, तो बैंक की एंट्री जो पेमेंटें कर रखी हैं वो वाली हैं। इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करके यहाँ से हटा देते हैं। एक बार में हट जाएगा, सेलेक्ट कर लिया मैंने। ये पेमेंट है, जर्नल है, जर्नल वाली जो एंट्री हैं ये देखिए एक्सपेंसेस की एंट्री है और इन पे GST एप्लीकेबल नहीं है वाले, तो ऑल्ट एस करूँगा, स्टेटस में जाके एक्सक्लूड कर दूँगा। तो मैं यहाँ से एक्सक्लूड कर रहा हूँ इसको। ठीक है, 8 एंट्री और है, देख लेते हैं किस चीज़ की है। डेप्रिसिएशन की एंट्री है, 2 परचेज की एंट्री, उसको सही कर देंगे, देख लेंगे क्या चक्कर है। दो बिल है जो कि बोल रहा है कि डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट नंबर 262-285 टैक्स आरती के अंदर। तो चलिए एक बार लेजर खोल लेते हैं। एक अप्रैल 23 से खोलना पड़ेगा, 31 मार्च 24 का डुप्लीकेट बता रहा है। कोई बिल दो बार एंटर है शायद मेरे ख्याल से। डुप्लीकेट बता 262। एक काम करते हैं, इसके लास्ट में ए लगा देते हैं, एंड में मैं ए लगा देता हूँ। इसको भी करता हूँ ऐसे ही, डुप्लीकेट है नहीं मगर डुप्लीकेट बता रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये मैंने ए लगा दिया। अभी दोबारा से मैं डिस्प्ले GST रिपोर्ट, मतलब स्टोचरी रिपोर्ट और GST रिपोर्ट में आ गया और यहाँ से आ गया 2B रिकन्सिलेशन में। 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24। तो देखो अनसर्टेन ट्रांजेक्शन्स में दिखा रहा है अभी भी, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऑल्ट जे, ये करते हैं, 285 ए कर देते हैं, सॉरी 285 ए कैपिटल में, सॉरी यार यहाँ 85 है, नीचे 62 है, तभी तो डुप्लीकेट बता रहा है ये। देखिए ध्यान से अगर देखा जाए तो ये जो नंबर है यहाँ पे यही आना चाहिए, क्योंकि ये नहीं है। ठीक है, अभी देखिए ये सेव हो गया बिल्कुल, डुप्लीकेट खत्म। अब तो देखो आ गया ऑल अदर ITC फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, ऑल अदर ITC फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, पार्ट ए में B2B सेल्स आ गई हमारी, मतलब B2B सप्लाई आ गई। और नीचे आ जाता है रिवर्जल ऑफ ITC, ये नीचे रिवर्जल ऑफ ITC है। रिवर्जल किस वजह से है, क्रेडिट नोट है इसे। ठीक है,
अभी मैं क्या काम करूंगा, डाटा पूरा का पूरा डाउनलोड कर लूंगा 2B का टैली के अंदर, और भी मिनटों में रिकनसाइल कर देगा। आपको दिखाता हूँ क्या करेंगे। एक्सचेंज पे आएंगे, सबसे पहले तो लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन पे आ गए, यस के यस के, लॉगिन को सेट करेंगे तो यहाँ पे यूज़र नेम लिखना पड़ेगा GST वाला। चलिए लिख लेते हैं, GST वाला यूज़र नेम डाल दिया, एंटर किया, यस कर लिया। अभी OTP बोलेगा, ठीक है OTP जाएगा तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है, जो उसकी रजिस्टर्ड मेल आईडी है या मोबाइल नंबर, उसको OTP जाएगा। चलिए सेंड OTP पे क्लिक कर देते हैं। अब OTP गया, अब यहाँ पे OTP लिखना है। चलिए लिख लेते हैं OTP। ये OTP लिख लिया मैंने, एंटर किया, देख सकते हैं GST सेशन लॉगिन इन सक्सेसफुली। अब मैं GST सेशन के लिए लॉगिन कर लिया है मैंने। अभी क्या काम करूँगा, एक्सचेंज पे जाऊँगा और डाउनलोड GST रिटर्न पे जाऊँगा, कॉन्फ़िगर में जाऊँगा और यहाँ से 2B सेलेक्ट कर लिया, एंड ऑफ लिस्ट कर दिया। टाइम पीरियड देंगे 1/4/2023 से 31 मार्च 2024, क्योंकि मैं 23/24 का कर रहा हूँ। अभी डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है ये डाउनलोड करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। देखो डाउनलोड करना शुरू कर दिया, या मंथ भी आ रहा है कि अप्रैल मई जून, हर महीने का डाउनलोड कर रहा है, 12 महीने का होता है। देखो फटाफट डाउनलोड करना शुरू कर रहा है, 7वां महीना हो गया, 8वां हो गया, 9वां हो गया। स्पीड है इसमें, स्पीड है, टाइम नहीं लेगा ज़्यादा। देखो 12 महीने के डाउनलोड हो गए। अभी एंटर पे क्लिक करेंगे। अब देखो जो ब्लू कलर में है वो पोर्टल का है और जो ब्लैक में है वो बुक्स का है। तो अगर हम देखें पोर्टल पे तो 67 आ रहा है और बुक्स में 47 एंट्री आ रही है। चलिए चेक करते हैं अंदर जाकर कि कितना पोर्टल पे और कितना क्या है, किस किस का है और क्या मैच है, कितना रिकन्सिलेशन, सब पता चलेगा। आ जाते हैं यहाँ पे B2B इनवॉइस में आते हैं। तो देखो B2B इनवॉइस में ये तीन पार्टी रिकनसाइल है, ये तीन पार्टी रिकनसाइल। कौन सी पार्टी नहीं है, ऊपर वाली नहीं है। तो मैं सबसे ऊपर से चलता हूँ। सबसे पहले गुप्ता टायर्स की बात करें, 2 बिल है जो कि अनरिकनसिलेशन में पड़ा हुआ है। बोलता है कि मिसमैच है, नीचे बोलता है ये वाला तो रिकनसाइल है आपका बिल, ऊपर वाला मिसमैच है। मिसमैच किस वजह से, तो देखो यह तारीख 11 अप्रैल 23 इनवॉइस नंबर 4/23/2024 यहाँ भी वही है। टैक्सेबल अमाउंट यह आ गया, CGST SGST अमाउंट यह आ गया, टैक्स अमाउंट यह आ गया, इनवॉइस अमाउंट देखो यहाँ पे इनवॉइस अमाउंट क्या आया 27,800 और बुक्स में क्या आया 27,800.32। तो जो राउंड ऑफ का फ़र्क है उसकी वजह से डिफरेंस आ गया, 32 पैसे का फ़र्क इनवॉइस अमाउंट में है, टैक्सेबल में नहीं है। तो ये मेरा मैच है, मैं क्या काम करूँगा, इसको सेलेक्ट कर लूँगा और ऑल्ट और एस करके यहाँ से रिकन्सिलेशन में जाके रिकनसाइल कर दूँगा। तो ये एंट्री मेरी रिकन्सिलेशन में पहुँच जाएंगी। देखो मैनुअली रिकनसाइल, बट रिकनसाइल हो गया है, हट गया। अब ये देखो ये मेरे पास 4 रिकन्सिलेशन आ गए। इसके अलावा अब HDB फाइनेंशियल सर्विस, इस पर आते हैं, ये आ जाते हैं। देखो यहाँ भी मिसमैच बता रहा है, किस वजह से होगा, देखो 30 अगस्त है या 31 अगस्त है। हालांकि अमाउंट दोनों का सेम है, अगर टैक्स के अमाउंट को देखा जाए तो दोनों सेम है। तो क्या करेंगे, ये ओके है, नीचे आ जाओ, यहाँ 3 सितंबर है, यहाँ 6 सितंबर है, यहाँ 6 सितंबर है, यहाँ 3 सितंबर है। हालांकि सबके अमाउंट मैच हैं, टैक्सेबल अमाउंट और CGST मैच है, बट डेटों का फ़र्क है, यहाँ 6 सितंबर या 9 सितंबर, यहाँ 6 सितंबर, यहाँ 13 सितंबर, डेटों का फ़र्क है, बाकी सब चीज़ मैच है। तो मैं क्या काम करूँगा, इसको करूँगा सेलेक्ट, क्योंकि भाई ये मेरा मैच है, और यहाँ से ऑल टेस्ट करके यहाँ से कर दूँगा रिकनसाइल। ये एंट्री मेरी रिकनसाइल हो गई, ठीक है, ये मैनुअली रिकनसाइल किया है मैंने। बाहर निकलूँगा तो देख सकते हैं ये भी रिकनसाइल हो गया मेरा। इसी प्रकार से अगला आ जाते हैं, अगला HKS ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है इसमें आ जाता है। यहाँ 2 बिल है, दोनों ही मिसमैच में है, क्यों है, क्योंकि यहाँ 29 अगस्त है, यहाँ भी 29 अगस्त है। बिल में अगर देखा जाए तो बिल नंबर भी सेम है। उसके बाद यहाँ देखिए टैक्स अमाउंट के अंदर 1234.32 है या 1234.33 है,
तो माइनर सा डिफरेंस है पॉइंट पैसे का, उसको हम इग्नोर करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से रिकनसाइल कर दिया, बाहर निकल गए। कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं, कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी सेट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये पार्टी ओके हो गई, रिकनसाइल हो गई। अगला आ जाते हैं श्री कृष्णा टायर्स, इस पे आ गया मैं। तो देखा जाए ये 1 मई 23, ये भी 1 मई 23, बिल नंबर सेम है, टैक्सेबल अमाउंट बिल्कुल सेम है, टैक्स अमाउंट में 1 पैसे का फ़र्क है जो कि एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अब यहाँ से इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि 1 पैसे का फ़र्क जो कि चल जाएगा। इसको सेलेक्ट कर लिया, ऑल्ट एस कर दिया, इसको भी मैंने रिकनसाइल कर दिया, सेलेक्ट करके यहाँ से रिकनसाइल, ये एंट्री भी मेरी रिकनसाइल हो गई। ठीक है, अब अगला आ जाते हैं, 2 पार्टी और रह गई, फ़ोनपे। फ़ोनपे में से देखा जाए तो कुछ एंट्रियों को डाला है और कुछ एंट्रियों को नहीं डाला है, मतलब जो नहीं डाला वो रिकनसाइल में है, रिकनसाइल में नहीं है। एक्चुअली फ़ोनपे से कुछ रिचार्ज वगैरह कराया होगा, लेकिन ये देखा जाए तो इसमें कुछ को मैंने एक्सपेंस में क्लेम कर लिया, जैसे बाकी देख सकते हैं ऊपर वाला, ये सब एक्सपेंस में क्लेम कर लिया है और इनको बाकी की एंट्री मैंने करी है और कुछ को एक्सपेंस में क्लेम कर लिया है। तो ये मैं ये वाला जो पोर्टल पे आ रहा है मैं लेना नहीं चाहता। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, बाकी नीचे वाला मेरा रिकनसाइल है तो रिकनसाइल पे लेंगे, अनरिकनसाइल में रहेगा क्योंकि इतना अमाउंट पोर्टल पे आ रहा है, ये वाले बिल पोर्टल पे आ रहे हैं, तो ये अनरिकनसाइलेशन में रहेगा, इसको रहने दीजिए। नीचे आते हैं, नीचे वाली पार्टी पे, मिसमैच में बता रहा है और मिसमैच बताने का वही टैक्स अमाउंट में राउंड ऑफ का फर्क आ रहा है, इसलिए इसको भी मैं एक्सेप्ट करके रिकनसाइल कर रहा हूँ। अगला है फोन पे तो है मिसमैच में, अगला है ये पार्टी श्री राम जनरल इंश्योरेंस। इसमें भी कुछ बिल ऐसे हैं जिसको मैच कर लिया गया है, मतलब रिकनसाइल कर लिया गया, बाकी कुछ बिल ऐसे हैं जो मैच नहीं हो रहे, ताकि टैक्सेबल वैल्यू देखा जाए तो लगभग सबकी सेम है, किसी किसी के टैक्स अमाउंट में फ़र्क आ रहा है, तो इसको भी मैं एक्सेप्ट करके और रिकनसाइल पे डाल रहा हूँ। ये ओके हो गया, अब नीचे ज़्यादा टैक्स आर्थिक, इनके कहीं ना कहीं इनके डेटों में फ़र्क आ रहा है। ठीक है, बिल नंबर सेम है बट डेट जो है आगे पीछे, तो इसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और जिस दिन इनवॉइस आया होगा या माल रिसीव हुआ होगा या सर्विस रिसीव होगा उस दिन एंट्री कर रखी है। अब एक बिल जो है वो पोर्टल पे है और एक बिल जो है वो ओनली एक बिल जो है ओनली बुक्स के अंदर है और एक बिल जो है ओनली पोर्टल पे। हालांकि ये 31 मार्च 24 को आ रहा है और पोर्टल पे 21 फरवरी को आ रहा है, तो इसको एक काम कर सकते हैं, इसकी डेट को चेंज करके 21 फरवरी कर देंगे जिससे वो मैच कर लेगा, 21 फरवरी कर देता हूँ। अच्छा, इसमें बिल नंबर जो ए कर दिया ना लास्ट में, बिल नंबर की वजह से दिक्कत कर रहा है, बिल नंबर हटा देते हैं, सेम कर देते हैं। अब देखिए ये आपस में मैच कर लिया इसने, यहाँ से उठा के हम इसको कर देंगे रिकनसाइल। ठीक है, ये भी रिकनसाइल हो गया, सिर्फ एक ही पार्टी रह गई जिसका अनरिकनसिलेशन के अंदर है। ठीक है, वो ये है, वाउचर वाइज करना चाहोगे तो F5 कर लो, वाउचर वाइज एंट्री आ जाएंगी। ये देखिए वाउचर वाइज एंट्री आ गई। अब ये वो एंट्री है जो अवेलेबल ओनली इन पोर्टल, और ये एंट्री वो है जो रिकनसाइल है, मतलब पोर्टल से मैच है। तो जो ब्लू कलर वाली एंट्रियाँ आ रही हैं
वो ओनली पोर्टल पे है ये, और इसका डिफरेंस आ रहा है ये टैक्स अमाउंट का 235 रुपये जो पोर्टल पे एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब हमने क्लेम नहीं किया बिकॉज एक्सपेंस में क्लेम कर लिया इसलिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा 2B मैच हो गया, क्योंकि जितना हमने क्लेम किया होगा उतना ही 3B में लिया होगा, इस प्रकार से हमारा 2B या इधर मैच हो गया। ठीक है, यहाँ बाहर आ जाओ, नीचे आप अदर्स में जाके क्रेडिट नोट को भी मैच कर सकते हो। क्रेडिट नोट में जाके एक ही पार्टी का क्रेडिट नोट है, ये ओनली अवेलेबल ओनली पोर्टल और ये अवेलेबल ओनली बुक्स, इनके इनवॉइस नंबर में या बिल नंबर में चेंजेस होगा। देखिए अगर आप नीचे का टोटल देखेंगे तो दोनों का सेम है, ठीक है, बस यहाँ पे वाउचर नंबर में फ़र्क आ रहा है, इस वजह से ये इसको मैप नहीं कर रहा है। अगर इसको ये मैप करे, सो पोटेंशियल वैल्यू फॉर रिकंसिलेशन वाउचर, अब देखिए पोटेंशियल मैच का मतलब हो गया कि एक्सक्लूडिंग डॉक्यूमेंट नंबर, ये डॉक्यूमेंट नंबर को एक्सक्लूड करके उसको मैच करेगा आपस में, तो अगर देखा जाए तो ये लगभग मैच है। अगर डॉक्यूमेंट नंबर को एक्सक्लूड करके मैच कर रहा है तो लगभग मैच है। सो दोस्तों इस प्रकार से आप 2B मैच करोगे टेली के नए वर्जन में, टेली प्राइम 5.0 में।